दर्शकों, आप देख रहे हैं संस्कार दर्शन। सबसे पहले गो भक्त धर्म प्रेमी विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया को संस्कार दर्शन की ओर से जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। गो माता के अनन्य भक्त धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले नारायण सिंह सिसोदिया मंगलम ने अपने अनूठे अंदाज में मनाया जन्म उत्सव। पूरे दिन रहा गो सेवा एवं धर्म के प्रति समर्पित। गरुड़ नगर के समीपस्थ कल्प वृक्ष ग्राम के नाम से विख्यात ग्राम ढाकनी की पावन धरा पर जन्मे गो माता के अनन्य भक्त और धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम एवं आनंद के वातावरण में मनाया गया। अधिकतर आपने देखा होगा कि आम जन अपने जन्म उत्सव के अवसर पर केक काट कर बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टी आयोजित करते हैं, लेकिन गो भक्त धर्म प्रेमी नारायण सिंह सिसोदिया अपने जन्मदिन की शुरुआत ग्राम ढाकनी में प्रातः 4 बजे हरि नाम कीर्तन प्रभात फेरी प्रातः 7 बजे रघुराई गुरु माता पिता शीश नवाई प्रातः 8 बजे रास बिहारी गौशाला में गौ माता का पूजन हरा चारा भोग आशीर्वाद चीड़ी नगर पक्षी दाना श्री हरि अवतार मछली दाना प्रातः 8:30 बजे श्री बालाजी श्रृंगार महा अभिषेक सभी मंदिरों पर ध्वजा फहरा कर की इसी के साथ प्रातः 9 बजे कन्या पूजन ब्राह्मण भोज सुबह 10 बजे माँ दुधागिरी माता जी के दर्शन 11 बजे श्री उमरिया बालाजी कैलाशपुर के दर्शन किए रात 8 बजे भानपुरा बस स्टैंड पर श्री बाबा श्याम का पूजन कर भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अनुष्का अधिष्ठा विष्णु परिहार द्वारा बाबा खाटू श्याम का भजनों की धुन पर भव्य दरबार सजाया गया। नारायण सिंह सिसोदिया मंगलम ने संस्कार दर्शन से विशेष चर्चा करते हुए बताया कि जन्म उत्सव अनोखे तरीके से मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि आज की युवा पीढ़ी जो धर्म और आस्था से दूर होकर पश्चात संस्कृति की ओर बढ़ती जा रही है, यही सोचकर मैंने अपने जन्म उत्सव पर केक नहीं काटते हुए पूरे दिन गौ सेवा और धर्म के प्रति समर्पित किया है, जिससे युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके और धर्म और आस्था के प्रति जागरूक हो सके। उल्लेखनीय है कि नारायण सिंह सिसोदिया मंगलम ने अपने क्षेत्र में धर्म और गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धार्मिक आयोजनों में मद्देनजर देश के बड़े बड़े संतों और कथावाचकों को क्षेत्र में आमंत्रित कर भव्य रूप से कथा का आयोजन करवाते हैं और इसी के साथ निर्धन परिवार की कन्याओं का भी स्वीकार सम्मेलन आयोजित करवा चुके हैं और इसके बाद इनका जन्म उत्सव गौ माता की सेवा धर्म के प्रति समर्पित रहा। बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ। कैमरामैन दिलीप श्रीवास्तव के साथ संस्कार दर्शन संवाददाता हर्षिता चौधरी की रिपोर्ट।